हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव का आगाज हो गया है। यह आयोजन एमबी इंटर कॉलेज मैदान में हो रहा है। 8 से 10 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी और धारचूला की संस्कृति देखने को मिल रही है। जोहार महोत्सव कार्यक्रम में अगले 3 दिन तक चीन सीमा से सटी जोहार घाटी की लोक और हस्तशिल्प कला के रंग देखने को मिलेंगे। महोत्सव में गढ़वाल और कुमाऊं के लोकप्रिय गायकों और नृत्य कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रतिभावान कलाकारों को भी मंच पर अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन बाजे गाजे के साथ झांकी आयोजन स्थल पहुंची। लोग ढोल दमाऊ नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। महोत्सव स्थल पर हिमालय जड़ी बूटियों और उनकी वस्तुओं के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए, जो आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा पहाड़ के जोहार घाटी के पारंपरिक वेशभूषा और खान पान के भी स्टॉल लगाए गए हैं। तीसरे दिन बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान क्विज, भाषण प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस शो और मेहंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा जोहार का प्रोग्राम है, हमारी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर महोत्सव एक तरीके से इनकी संस्कृति का जो है लोगों के बीच में फैलाई जाती है, और देखिए जिस तरीके से इनका जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर होते हैं, और जैसे कि इनके जो खान पीन में जो चीजें चलती है वो चीजें यहाँ पर लोगों के बीच बजाते हैं। बस मेरा ये पहली बार जो है ऊर्जावान है सभी हमारे होशियारी वाले, और बहुत खुश हैं हम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में हैं, जिसे गत कमल हम कहते हैं, और इस तरह के ट्रेडिशनल जो है ज्वेलरी के साथ हम लोग हैं, और बहुत उत्साह है। 2 दिन से अब 3 दिन का हो गया जोहार महोत्सव, इसका जो है कुछ जो युवा वर्ग है आज के डेट में हर युवा वर्ग के पास आप देख रहे हैं कि ये ज्वेलरी ये कॉस्ट्यूम है, ये है कि रुझान वापस बढ़ रहा है अपनी पुरानी संस्कृति की। महोत्सव है जिसमें हमारे जो है अपने वेशभूषाओं में और अपने कल्चर को प्रदर्शित करता है, और ऐसे खान पान में भी हमारे जो व्यंजन है उन चीजों का स्टॉल लगा हुआ है। जो हमें संस्कृति जो 3 दिन 8, 9 और 10 तारीख सीमा में खान पान वेशभूषा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो हमारे जो पल्ली भी आने वाले रीति रिवाज वहाँ बचाने की कोशिश किया ये रैली बहुत अभी तो उत्साह के संग हम लोग इस रैली को मना रहे हैं, जोहार महोत्सव को मना रहे हैं। सभी लोग आए हैं और रैली हमने अभी 2 बजे के करीब स्टार्ट की थी, अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरा विशेष अनुरोध है जितने भी हमारे कैमरा वाले हैं, 3 दिन में छुट्टी लेके आ जितने भी हमारे हम बस चल के शुरू करते हैं, 3 दिन से हम यहीं पे हैं कंटिन्यूस, आज चौथा दिन है हमारा। मंच के सामने आप लोग सभी को हम काफी टाइम से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और ये हमारा एक कल्चर को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। बहुत ही दूर दूर से भी लोग आते हैं, हम हल्द्वानी वासी हैं लेकिन बाहर से भी जितने भी भारत में जहाँ जहाँ कोने कोने में रहते हैं वहाँ आते हैं, और अपने कल्चर को हम लोग बहुत दिल से जो है अपनाते हैं, और अपने बच्चों को जो है आगे कोई बढ़ाते हैं। आज जैसे खान पान है, रहन सहन है, हमारी ज्वेलरी है, ये सभी हम एक जगह होके बच्चों को जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी संस्कृति को बचाना है, और इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर हर साल होता है, नवम्बर में होता है।